पूजा सचदेवा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण। संसद की नई इमारत को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ऐसी जोर आजमाइश हो रही है कि बहिष्कार करने वाले और समर्थन करने वाले दलों की लिस्ट लंबी होती जा रही है, लेकिन बहिष्कार करने वाले दलों की मुश्किल मायावती ने बढ़ा दी है। और वहीं एक सवाल रामगोपाल यादव के यू टर्न का भी है, जो पहले कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे और अब संसद के उद्घाटन पर। और वहीं बात होगी सपा और रालोद में शुरू हुई तकरार की, क्योंकि रालोद के तेवर तल्ख होते जा रहे हैं। और इसी के साथ बात होगी कांग्रेस के जाति पथ की, जिसने सूबे की सियासत को गरमा दिया। तो कहीं मत जाइए, रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और चलिए विश्लेषण में आज सबसे पहले बात राम गोपाल की पलटी मार सियासत, मायावती ने बढ़ाई भाजपा की ताकत। क्योंकि जब से नई संसद को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लड़ाई शुरू हुई है, तब से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि कितने दल इसका विरोध कर रहे हैं और कितने दल भाजपा के साथ खड़े हैं। क्योंकि मायावती ने विरोध कर रहे विपक्ष को न सिर्फ आड़े हाथों लिया, और वहीं एक सवाल रामगोपाल यादव की पलटी मार सियासत ने भी खड़ा कर दिया। क्योंकि जो रामगोपाल पहले कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री से नई संसद की बात कह रहे थे, वो रामगोपाल अब नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की बात कह रहे हैं। तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम समूचे विपक्ष को अपनी रणनीति पर विचार करने की नसीहत देख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट। नई संसद का बहिष्कार, सामने आई विपक्ष की तकरार। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? राम गोपाल यादव की पलटी मार सियासत, मायावती ने बढ़ाई भाजपा की ताकत। वो हमारा बयान सही नहीं था। 28 मई की तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में एक नई तारीख लिखने वाली है, क्योंकि देश को एक नई संसद मिलने वाली है। लेकिन विपक्ष लामबंद होकर इसके उद्घाटन का विरोध कर रहा है, जिसकी मांग है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी की जगह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करना चाहिए। एक वक्त कहीं सिर्फ वहां पे लगेगा पत्थर, उसके लिए राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति संविधान की गरिमा मर्यादाएं तोड़ी जा रही हो तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इसमें भागीदार नहीं रहेंगे। नए पार्लियामेंट के उद्घाटन का कार्य सही मायने में संविधान प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, देश के महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा न करके यह देश की सर्वोच्च कुर्सी संविधान प्रमुख, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति माननीय केवल मुर्मू जी का अपमान नहीं, ये संविधान का भी अपमान है। का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं। लेकिन नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रहा विपक्ष अपने मोर्चे पर पटा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पूरी कांग्रेस नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की मांग कर रहा है। वहीं कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने समूचे विपक्ष को अपनी रणनीति बदलने पर विचार करने की नसीहत दे दी है। देश की संसद का उद्घाटन देश का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो कौन करेगा? क्या हिंदुस्तान की संसद का उद्घाटन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं करेगा, पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा? कांग्रेस पार्टी जहां एक तरफ नए संसद भवन परिसर के उद्घाटन का प्रधानमंत्री द्वारा किए जाने पर विरोध कर रही है, वहीं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने कहा है कि कांग्रेस समेत विपक्ष के तमाम सारे नेताओं को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए। यही नहीं, प्रमोद कृष्णन ने यहां तक कह दिया कि अगर भारत की संसद की उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। और इसके साथ साथ उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी ये कहा कि अपने फैसले पर पुनर्विचार करें और नई संसद भवन का जो उद्घाटन हो रहा है उसमें शिरकत करें। वहीं सपा महासचिव रामगोपाल विरोध की इस लड़ाई में पूरी तरह से घिर गए हैं, क्योंकि जो रामगोपाल यादव पहले नई संसद के उद्घाटन पीएम से कराने की बात को सही बता रहे थे, वो अब यू टर्न लेते नजर आ रहे हैं और अब राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन की बात कह रहे हैं। ऐसे में उनका पहले वाला बयान खूब वायरल है। देखिए, संसदीय लोकतंत्र में
असली कार्यकाल का तो प्रधानमंत्री ही होता है, इसलिए इस पर अगर कोई सवाल उठाता है तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। हमने कहा यही था, लेकिन ये कहा कि चूंकि संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री असली कार्यपालिका होता है, अगर वो नहीं राष्ट्रपति से कराना चाहता है तो कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन कायदे से राष्ट्रपति से ही कराना चाहिए। वो हमारा बयान सही नहीं था। अब सवाल ये है कि राम गोपाल यादव ने आखिर क्यों यू टर्न लिया? क्या ये पार्टी का दबाव था, क्योंकि समाजवादी पार्टी लगातार पहले दिन से नई संसद के उद्घाटन का विरोध कर रही है। नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया है। अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कुछ दिन पहले कहा था कि कार्यपालिका में सबसे सर्वोच्च प्रधानमंत्री होते हैं, लिहाजा इसका विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर बात करें तो आज एबीपी गंगा से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है और राष्ट्रपति के द्वारा ही नए संसद भवन परिसर का उद्घाटन होना चाहिए। लेकिन 21 दलों के समर्थन मिलने के बाद भी विपक्ष न सिर्फ बटा हुआ दिखाई दे रहा है, बल्कि मायावती ने विपक्ष को बड़ा झटका दे दिया है। मायावती ने ट्वीट करते हुए जहां नई संसद के उद्घाटन को लेकर पीएम मोदी का समर्थन किया है और राष्ट्रपति को लेकर समूचे विपक्ष को आड़े हाथों लिया है कि राहुल गांधी जी राष्ट्रपति जी के लिए कह रहे हैं, तो पहले तो उनको देखना चाहिए कि जो पिछली सरकारों के हुए हैं, क्या उन्होंने जहां पे कांग्रेस की सरकारें थी तो क्या गवर्नर से उन्होंने उद्घाटन कराया? अगर चीफ मिनिस्टर वहां कर रहे हैं तो यहाँ प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं कर सकते? जिस तरीके से विपक्षी दल राष्ट्रपति को उद्घाटन समारोह में ना बुलाए जाने को लेकर सरकार को घेरने में जुटे हैं, ऐसे में मायावती ने अपने ट्वीट में ये भी लिखा है कि जब द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन होना था, जब उन्हें राष्ट्रपति चुना जाना था, तब इन विपक्षी दलों ने उनके विरोध में उम्मीदवार क्यों खड़ा किया? विपक्ष के चौतरफा हमले को देख भाजपा भी खुलकर मैदान में उतर आई है। जहां सीएम योगी ने विरोध कर रहे सभी विपक्षी दलों पर हमला बोला, वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यहां तक कह दिया कि विपक्ष नई संसद का नहीं बल्कि पीएम मोदी का विरोध कर रहा है, यानी भाजपा ने इसे विपक्ष बनाम मोदी की लड़ाई बना दिया। गरिमामय और गौरवशाली बनाने की बजाय कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के द्वारा जिस प्रकार की बयानबाजी हो रही है वो अत्यंत ही दुखद और गैर जिम्मेदाराना है, लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। ये सीधा है, पूरा देश जान रहा है कि संसद भवन का विरोध है कि नहीं है, लेकिन मोदी का विरोध करना उनका लक्ष्य है। अब सवाल बड़ा है कि नई संसद की इस लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा, क्योंकि 21 दल उद्घाटन का विरोध कर रहे हैं तो 16 दल खुलकर उद्घाटन का समर्थन कर रहे हैं, यानी अपने अपने संख्या बल के हिसाब से अपनी अपनी ताकत का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखिए, नई संसद को लेकर 21 दल विरोध कर रहे हैं, जबकि 16 दल ऐसे हैं जो समर्थन कर रहे हैं। लेकिन समर्थन करने वाले और विरोध करने वाले दलों की ताकत क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए, बहिष्कार करने वाले जो दल हैं वो 21 हैं, उनकी संख्या 21। लोकसभा में उनके 147 सदस्य हैं, राज्यसभा में उनके 96 सदस्य हैं, और समर्थन देने वाले जो दल हैं उनकी संख्या है 16। अब इन 16 दलों की ताकत को आप समझिए। लोकसभा में इनके 366 सदस्य हैं, राज्यसभा में इनके 120 सदस्य हैं। तो देखिए, बहिष्कार और समर्थन करने वाले दलों की ताकत क्या है ये आपने ग्राफिक्स के जरिए समझा। बात करते हैं रालोद के तेवर से टेंशन में सपा, क्या 24 से पहले बदलेगी गठबंधन की हवा? क्योंकि जब से निकाय चुनाव के नतीजे आए हैं सपा और रालोद के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। रालोद का खेमा लगातार सपा पर निशाना साध रहा है और सपा तकरार की बातों को खारिज करने में लगी है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ है जिस पर पर्दा डाला जा रहा है, वो देखिए आप इस रिपोर्ट। सपा रालोद में दरार, क्या टूट जाएगा करार? रालोद की तलखी से टेंशन में सपा, 24 से पहले बदली गठबंधन की हवा। तो उसका नुकसान हुआ है, ऐन वक्त पर जो समझौता नहीं हो पाया उसका नुकसान हुआ है। क्या यूपी में सपा और रालोद का गठबंधन टूटने की कगार पर आ चुका है? क्योंकि जब से निकाय चुनाव का नतीजा आया है रालोद ने अपनी हार का ठिकरा सपा पर फोड़ना शुरू कर दिया है, और ये आरोप किसी और ने नहीं, यूपी रालोद के अध्यक्ष
रामाशीष राय ने लगाया है, जिनकी माने तो रालोद सपा की वजह से ज़्यादा सीट नहीं जीत पाई। देखिए, हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे, इसलिए हमारे कार्यकर्ता बड़ा आश्वस्त होकर के हर जगह 10% सीटों पर ही अपनी तैयारी कर रहे थे। लेकिन जब समझौता टूट गया तो जो लड़ने वाले लोग थे वो भी पीछे हट गए। इसके कारण हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश का या मध्य का रिजल्ट जैसा हम लोग चाहते थे वैसा नहीं हो पाया। रालोद के स्थानीय नेताओं का दर्द भी खुलकर सामने आने लगा है, जो पार्टी के समीक्षा बैठक में खुलकर कहने लगे हैं कि सपा से हाथ मिलाकर रालोद ने बड़ी गलती की, जिसकी वजह से रालोद ज्यादातर सीटों पर चुनाव हार गई। ये था क्योंकि था भी नहीं भी था, कुछ लोग कहते हैं कि गठबंधन था, कुछ कहते हैं नहीं था, तो हम जैसे लोग पीछे रह गए, हम इस दुविधा में फंस गए कि अब हम क्या करें, हम किसे लड़ाएं। है जी, हमारी सामग्री से लेकर हर चीज़ तक लेट हो गई, हम क्षेत्र में नहीं जा पाए, तो कारण सिर्फ गठबंधन की अफवाह रही है, ये कोई गठबंधन नहीं है, हम बेहतर रहता अगर अकेले लड़ते। रालोद के इन तर्क तेवर को देख समाजवादी पार्टी टेंशन में आ गई है। हालांकि वो सपा और रालोद के गठबंधन में किसी भी दरार की बात को सिरे से खारिज कर रही है। ये निहायत स्थानीय स्तर का चुनाव है, इसमें पार्टी बहुत मायने नहीं रखती। प्रत्याशियों का अपना कार्य, अपना व्यवहार, अपनी लोकप्रियता पहला महत्व रखती है, पार्टी सेकेंडरी पार्ट है जो सप्लीमेंट्री के रूप में उसको ताकत देती है। इस तरह की कोई बात नहीं है, न कोई समस्या है। प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या कब किस परिप्रेक्ष्य में कहा है मैं यही नहीं तो नहीं कह सकता, लेकिन समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व तो एक दूसरे के तो समझता है। समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन में दरार की खबरों के बीच अब समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मामले पर अपनी सफाई दी है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि दरअसल दोनों ही दलों का जो गठबंधन है वो बरकरार है और इसमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन रालोद के नेता जिस तरह से खुलकर बयानबाजी कर रहे हैं उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या सपा और रालोद के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है? ये सवाल इसलिए भी है कि निकाय चुनाव से पहले जयंत और अखिलेश साथ साथ प्रचार की बात कही जा रही थी, लेकिन प्रचार तो दूर, जयंत किसी भी बड़ी रैली तक में नजर नहीं आए, जिसकी बड़ी वजह वो सीटें भी रहीं जहां रालोद चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा ने उन सीटों पर अपना उम्मीदवार उतार दिया, जिससे कई सीटों पर तो सपा और रालोद ही आमने सामने आ गई। वहीं सपा से रालोद की नाराजगी की एक बड़ी वजह कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है, क्योंकि रालोद चाहती है कि सपा कांग्रेस से हाथ मिला ले, लेकिन सपा इसको लेकर अभी तैयार नहीं है, जबकि रालोद ने कांग्रेस के साथ जाने का ऐलान कर दिया। अब सवाल ये है कि क्या रालोद के साथ सपा की कहानी कांग्रेस और बसपा की तरह खत्म हो जाएगी, क्योंकि सपा ने 2017 में कांग्रेस और 2019 में बसपा से गठबंधन किया था और दोनों के साथ ही ये गठबंधन चुनाव के बाद खत्म हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात कांग्रेस का जाति पथ कितना मुश्किल दिल्ली का अग्निपथ। कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस यूपी में खुद को दुरुस्त करने में जुट गई है, जिसके लिए कांग्रेस ने हथियार बनाया है जातीय जनगणना को। इसी के दम पर कांग्रेस न सिर्फ ओबीसी वोट को अपनी तरफ करने में लगी है बल्कि विपक्ष को भी साधने में जुट चुकी है। कांग्रेस का जाति वाला पथ कौन पार करेगा 24 का अग्निपथ? जातीय समीकरण से धार्मिक ध्रुवीकरण की काट, यूपी में मजबूत होगा हाथ। यूपी में कांग्रेस पिछले 3 दशकों से सत्ता से बाहर है, उसके लोकसभा में 1 और विधानसभा में 2 विधायक हैं। नंबरों के खेल में कांग्रेस यूपी में रालोद और सुभाषपा, अपना दल एस और निषाद पार्टी से भी पीछे है। लेकिन जब से कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत का परचम लहराया है उसे नई संजीवनी मिल गई है, जिसका सबसे बड़ा असर यूपी में दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैक फुट पर खड़ी कांग्रेस न सिर्फ अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है बल्कि जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को हवा देकर 24 की लड़ाई का एजेंडा सेट करने में जुटी है।
सम्मेलन करने जा रही है ना, सम्मेलन में विचार विमर्श होगा, निर्णय होगा, तो उसके बाद आपको या लखनऊ में या जहां कहेंगे बता दिया जाएगा। आपको लगता है जातीय जनगणना की जरूरत है? मैं फिर कह दूं, कांग्रेस पार्टी ने इस बात को एक रायपुर के अधिवेशन में हमने पारित किया है। जातीय जनगणना और आरक्षण को लेकर कांग्रेस की तैयारी का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने लखनऊ में जातीय जनगणना कराने और आरक्षण की मांग को लेकर एक बड़ा सम्मेलन किया, जिसमें 50 से ज्यादा जातियों के करीब 200 प्रतिनिधि शामिल हुए। इस सम्मेलन में जून से मंडल स्तर पर कार्यक्रम शुरू करने और जुलाई से जिलों तक आंदोलन की रूपरेखा तय करने की बात हुई है। इस आंदोलन के लिए मंडलवार नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी गई हैं। जातियों की संख्या के ऊपर आप अपना अपना जातियों का अपना अपना बयान आते हैं, और निश्चित रूप से कुछ ऐसी जातियाँ जो अपने बयानों में अपने आप को भारी साबित करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले उन जातियों की जनगणना हो जाएगी तो सबको अपना अपना आधार पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है इस देश में, जातियों की संख्या क्या है, और ये आज इसकी ज़रूरत है, समाज को ज़रूरत है, और निश्चित रूप से इसके लिए हम लोग आगे आए हैं। और आज हम लोग इस सम्मेलन के माध्यम से पूरे प्रदेश में संदेश दे रहे हैं और आने वाले समय में हर मंडलों में जाके इस तरह के सम्मेलन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि पूरे मुल्क में कांग्रेस कमेटी के तरफ से उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जो जातिगत जनगणना और आरक्षण बढ़ाने के सवाल पे एक मुहिम की शुरुआत कर रहा है। आज आप देख सकते हैं कि हॉल में हमारे 200 ओबीसी के नेता पदाधिकारी बैठे हुए हैं, साथ ही साथ ये 50 अलग अलग जातियों से आए। जानकारों की माने तो कांग्रेस जातीय जनगणना के मुद्दे के जरिए न सिर्फ ओबीसी जातियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है, बल्कि जातीय जनगणना के सहारे विपक्ष को एकजुट करने में लगी है। लेकिन भाजपा कांग्रेस पर निशाना साध रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज लखनऊ में एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया। जातीय जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आयोजित इस सम्मेलन में ओबीसी की 50 से ज्यादा जातियों के 200 से ज्यादा प्रतिनिधि शामिल हुए। सम्मेलन में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। जातीय जनगणना के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाना है इसकी भी रूपरेखा तय की गई। एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया जिसके माध्यम से कांग्रेस जनता से जातीय जनगणना कराने और आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर समर्थन हासिल करेगी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस को जातीय जनगणना वाला दाव यूपी में मजबूती दे पाएगा, क्योंकि लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी से आती हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा को सबसे बड़ी ताकत इसी यूपी से मिलती है, जबकि कांग्रेस यूपी में बहुत कमजोर नजर आती है। विवेक त्रिपाठी के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। अब देखिए इसी जाति जनगणना के पीछे कांग्रेस का गेम प्लान आपको बताते हैं। दरअसल जाति जनगणना के सहारे विपक्ष को एकजुट करना ये प्लान है कांग्रेस का। जातीय समीकरण से धार्मिक ध्रुवीकरण की काट करना। तीसरा फैक्टर है जनता के बीच संदेश देना कि भाजपा जातीय जनगणना की विरोधी है। चौथा फैक्टर है जातीय जनगणना के जरिए ओबीसी वोट पर फोकस करना। यूपी में जीत हार का फैसला करने के लिए ओबीसी वोट निर्णायक भूमिका में है। तो ये वो तमाम कारक है जिसकी वजह से कांग्रेस जातीय जनगणना के पक्ष में नजर आती है। अब देखिए जातीय जनगणना के स्पेशल फैक्ट्स आपको बताते हैं। 1931 तक जातीय जनगणना होती थी। 1941 की अगर बात की जाए तो तब तक डेटा जुटाया गया था, लेकिन कभी भी डेटा जारी नहीं किया गया। उसके बाद देखिए ओबीसी और दूसरी जातियों का डेटा नहीं आया 1931 के बाद। यूपी में 50% आबादी ओबीसी जातियों की ही बताई जाती है। तो जातीय जनगणना के ये कुछ स्पेशल फैक्ट्स हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया। बाद यूपी में खेल का महाकुंभ, दुनिया देखेगी खिलाड़ियों का दम। यूपी में खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण शुरू हो चुका है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 3 जून तक चलने वाले खेलो इंडिया के संस्करण में यूपी के करीब 500 खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। यूपी में खेल का महाकुंभ, दुनिया देखेगी खिलाड़ियों का दम। खेलेगा यूपी, जीतेगा भारत। खेल से मिलेगी ताकत।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो भी काम करती है जी जान से करती है, क्योंकि खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण की मेजबानी कर सूबे की योगी सरकार ने खिलाड़ियों के हुनर को उम्मीद के नए पंख लगा दिए हैं। 3 जून तक चलने वाले खेलो इंडिया के संस्करण में यूपी के करीब 500 खिलाड़ियों को अपना जौहर दिखाने का मौका मिलेगा। इस ऐतिहासिक लम्हे का गवाह खुद प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बने, जहाँ पीएम मोदी ने खेलो इंडिया के तीसरे संस्करण का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का खूब हौसला बढ़ाया। टीम स्पिरिट को बढ़ाने का, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ाने का बहुत ही उत्तम माध्यम बना है। इन गेम्स के दौरान युवाओं का एक दूसरे के क्षेत्रों से साक्षात्कार होगा, परिचय होगा। वहीं इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी की सफल रही विदेश यात्रा की जमकर तारीफ। अब अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा ये कहा जाता है कि मोदी जी इच्छा होती है कि आपका ऑटोग्राफ लो, तो भाइयों बहनों हर भारतवासी प्रधानमंत्री मोदी जी की लोकप्रियता और उनके नेतृत्व में भारत की इस नई ताकत का एहसास वैश्विक मंच पर होते हुए देखा है। ये खेलो इंडिया का तीसरा संस्करण है, इसे सफल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बड़ा योगदान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ही ये सोच थी कि जिन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, इन सब की कल्पना की और खेलो इंडिया अभियान की शुरुआत की। आपको बता दें कि यूपी में खेलो इंडिया के लिए अलग अलग खेल के हिसाब से कई स्टेडियम तैयार किए गए, जिसमें वाराणसी में 2, लखनऊ में 12, गौतम बुद्ध नगर में 5, गोरखपुर में 1 और दिल्ली में 1 खेल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।